अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ शहर के दो सराफा कारोबारियों का करीब 50 लाख रुपए का सोना लेकर बंगाली कारीगर अपने पुत्र समेत गायब हो गया है। बंगाली कारीगर की दुकान पर भी ताला लटका हुआ है। आज मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद संघ पीड़ित व्यापारी देहलीगढ़ थाने पहुंचे और माल बरामदगी की मांग की। मेरठ में बंगाली कारीगरों द्वारा इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। रोज ही कोई ना कोई सराफा कारोबारी इनका शिकार बनता रहता है। बावजूद इसके इन कारीगरों का कोई ब्यौरा न ही तो एसोसिएशन के पास है और न ही सराफा कारोबारियों के। बिना वेरिफिकेशन बड़ी संख्या में ये बंगाली कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं। जिन दो सराफा कारोबारियों का सोना बंगाली कारीगर लेकर फरार हुआ है उनका नाम अशोक वर्मा व आशीष वर्मा है। दोनों की ही गोपाल मार्केट नील की गली में दुकान है, जबकि सोना लेकर भागने वाले आरोपी का नाम सफीकुल इस्लाम है। उसने इस कार्य को अपने पुत्र नौशाद की मदद से अंजाम दिया है। एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद ने मीडिया को यह जानकारी दी। आज हमारे मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी प्रदीप जी और माननीय और सदस्यगण आए हैं। हमारे एक हमारी सराफा व्यापारी है आशीष जी, आशीष वर्मा जी और एक अशोक जी। आप दोनों का सोना लेकर शफीकुल इस्लाम मिस्त्री नामक एक कारीगर जो है सामान लेकर फरार हो गया है। सामान जो है 400 कुछ ग्राम एक व्यापारी का है और जो सोने का जेवर है और 200 कुछ ग्राम एक का है। कुल मिलाकर 667 ग्राम है जिसका आज की तारीख में मूल्य 50 लाख रुपए का है। गंभीर मामला है, दो दिन से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। आज फाइनली पता चला, उसके घर पर भी पहुंचे, जहां पर वो किराए पर रहता था उसकी दुकान पर भी पहुंचे, सब में ताले लगे हुए मिले। पता चला कि वो दो दिन से यहां से फरार है। मेन मिस्त्री जो था वह भी काफी समय से माँ की तबीयत खराब बताकर या उनकी डेथ के बारे में बताकर गया हुआ था यहां से। और बाकी उसका लड़का नौशाद, शफीकुल और उसके अन्य कारीगर अब यहाँ कोई नहीं है। और हमारा जो आभूषण है हमारे व्यापारियों के, दोनों व्यापारियों के, वो नहीं मिले। और भी व्यापारियों का सामान हो सकता है, अभी तक हमारे संपर्क में केवल आशीष जी और अशोक जी ये दो लोग आए। प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं? ये प्रॉपर वर्धा का रहने वाला है, पश्चिम बंगाल का, वर्धा वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है पश्चिम बंगाल का और पिछले 7-8 साल से यहाँ पे काम कर रहा था। पहले भी कोई घटना कर चुके थे ये लोग? नहीं, इससे पहले इसका कोई रिकॉर्ड खराब नहीं था। जैसे कि आए दिन इसमें सराफे के अंदर ऐसे मामले आते रहते हैं, आए दिन सराफे के अंदर ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। और हम इसमें आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से भी और स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि जो खराब लोग हैं उन्हें चिन्हित करें, उनका एड्रेस वेरिफिकेशन करें और हमारी पूरी मदद करें। अगर भारत के किसी भी कोने में अपराधी हमारा सोना लेकर भाग रहा है और खुलेआम वहां पर जाकर पश्चिम बंगाल में ये कहता है कि जी मेरे से लिया जाए तो तुमसे ले लो, वहाँ की जो पंचायत है, स्थानीय पंचायत है, वो उस अपराधी को सपोर्ट करती है कुछ ना कुछ परसेंटेज लेके। तो क्या एसोसिएशन वेरिफिकेशन नहीं कराती क्या? एसोसिएशन अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है वेरिफिकेशन कराने का। करीब 1000 लोगों के हम वेरिफिकेशन करा चुके हैं, लेकिन हमें बिना स्थानीय प्रशासन की मदद के हमारा वेरिफिकेशन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारे पास जो कानूनी अधिकार प्रशासन पे वो हमारे पास थोड़ी है। हम निवेदन कर सकते हैं, हम किसी से अधिकार पूर्वक तो नहीं कह सकते। सोने की कीमत कितनी है? 50 लाख रुपए की कीमत है साहब। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।